नमस्कार, स्वागत है आपका धोबी घाट पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, फिर लाया हूं खबर के पीछे की खबर। खबर यह है, प्रधानमंत्री कार्यालय ने इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री का वो तुगलकी आदेश जिसमें कहा गया था कि यदि एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट कोई झूठी खबर बनाते हैं या प्रसारित करते हैं तो उनका एक्रेडिटेशन कैंसिल हो जाएगा। यानी सरकार मान्य पत्रकार यदि कोई झूठी खबर प्रसारित करता या बनाता है तो उनकी मान्यता रद्द की जाएगी। लेकिन मंत्रालय ने यह कतई नहीं बताया था कि झूठी खबरों के मायने क्या है, फेक न्यूज का डेफिनेशन उसमें नहीं था। इसके मायने ये भी हो सकता है कि जब कोई नेता अपने भाषण में झूठे दावे करे और यदि कोई पत्रकार उस भाषण को खबर के रूप में छापता है और वो दावे झूठे साबित होते हैं तो उस पत्रकार को भी झूठी खबर लिखने के लिए प्रताड़ित किया जा सकता है। यह सर्कुलर आने के बाद देश के तमाम मीडिया में जो रिएक्शन हुआ और जो विरोध हुआ उसे देखते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय ने तुरंत आदेश जारी कर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के इस तुगलकी सर्कुलर को रद्द किया। खबर के पीछे की खबर यह है, क्या इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर स्मृति ईरानी ये सर्कुलर अपने आप जारी कर सकती है? और यदि किसी आका के कहने पे ये सर्कुलर जारी किया तो क्या सरकार ये माने कि मीडिया को टेस्ट कर रही थी कि ऐसा अंकुश लगाने पे रिएक्शन क्या हो सकती है, और यदि रिएक्शन नहीं हुई तो ये अंकुश बरकरार रखे? और यदि स्मृति ईरानी जी ने बिना किसी को पूछे ये सर्कुलर निकाला होगा तो फिर उस पर कार्यवाही क्यों नहीं? क्योंकि मीडिया में अंकुश लगाने का मतलब कहीं ना कहीं लोकतंत्र की जड़ों को हिलाना है। यह है खबर के पीछे की खबर। देखते रहिए धोबी घाट।